पहले रीवा में नवविवाहिता के साथ गैंगरेप, डिंडोरी में गर्भवती महिला के द्वारा अस्पताल स्टाफ ने खून से लथपथ बेड साफ कराया, उसके बाद सीधी में एम्बुलेंस नहीं मिली, स्ट्रेचर नहीं मिला, ठेले पर महिला को डिलीवरी करनी पड़ी जिसमें उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ये कुछ हेडलाइंस आपने हाल के दिनों में अखबारों में देखी होगी। एमपी तक पर इन खबरों को आपने सुना होगा, देखा होगा और आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। ये सवाल हम भी उठा रहे हैं, आखिर मध्य प्रदेश में ये क्या हो रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल है, वहीं पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था कोई सही नजर नहीं आ रही है। इन सब के बीच इन तमाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की चुप्पी कई सारे सवाल खड़े कर रही है। क्या है पूरा मामला, आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जो पढ़ने वाले को, सुनने वाले को या यूं कहें कि देखने वाले को झकझोर के रख देने के लिए काफी है। रीवा में एक नवविवाहित महिला के साथ गैंगरेप हो जाता है। आपको बता दें कि महिला अपने पति के साथ पिकनिक मनाने गई थी जहां पर कुछ बदमाशों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे मामले पे कांग्रेस काफी हमलावर हुई, जांच चल रही है, लेकिन रीवा से ही ताल्लुक रखने वाले बीजेपी नेता, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए दिखाई दी। राजेंद्र शुक्ला हाल ही में रीवा पहुंचे थे, लेकिन नवविवाहिता से जो कि विक्टिम है इस पूरे मामले में, उससे मिलने तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो वो नहले पर दहली नजर आती है। सीधी और डिंडोरी की तस्वीरें आपने हाल ही में देखी होगी। सबसे पहले बात करेंगे डिंडोरी की, जहां पर ट्रिपल मर्डर होता है। गर्भवती महिला अपने घायल पति को लेकर अस्पताल जाती है, जिस बेड पर उसका पति लेटता है, जहां पर उसका इलाज चलता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में बॉडी को वहां से हटा दिया जाता है, जिसके बाद अस्पताल का क्रूर प्रशासन जो है वो गर्भवती महिला से उस बेड को साफ कराता है, जिसकी तस्वीरें सभी ने देखी। हालांकि इस पूरे मामले पर अस्पताल प्रशासन के ऊपर कार्रवाई हुई है, लेकिन अस्पताल प्रशासन के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे हैं। एक्शन लेने के अलावा आखिर मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहते हुए दिखाई क्यों नहीं दे रहे। वहीं एक और तस्वीर हमने देखी सीधी में, जहां पर आपको बता दें गर्भवती महिला को ठेले पर ही डिलीवरी करनी पड़ी। बता दें आपको कि इस पूरे मामले में, जैसा कि परिजनों ने महिला के आरोप लगाया है कि 108 एम्बुलेंस को फोन किया गया, एम्बुलेंस समय पर नहीं आई, स्ट्रेचर मौजूद नहीं था, ऐसे में हार्ट ठेले पर ही महिला की डिलीवरी हो गई। हालात ये रहे कि महिला का नवजात शिशु जो है उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद भी मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री की चुप्पी पूरे प्रदेश को खल रही है। इन तमाम मामलों में जहां एक तरफ विपक्ष सरकार को घेर रही है, सवाल उठा रही है, ऐसे में आम जनता भी जानना चाहती है कि आखिर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री कहां पर हैं और वो इन पूरे मामलों में मीडिया के सामने आकर कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं। आपको बता दें कि इन तमाम मामलों में डिंडोरी अस्पताल प्रशासन के ऊपर जो कार्रवाई हुई, उस मामले पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजेंद्र शुक्ला ने एक पोस्ट साझा की थी, जिसमें ये जानकारी दी गई थी कि अस्पताल प्रशासन पर कार्रवाई कर ली गई है, लेकिन इसके अलावा और कोई पोस्ट उनकी नजर नहीं आई। वहीं आपको बता दें कि इन तमाम मामलों पर मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला लगातार चुप भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में विपक्ष को एक और मौका मिल गया है उनके ऊपर और बीजेपी की सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने का। फिलहाल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था काफी लचर और लाचार नजर आ रही है। या तो तस्वीर आती है डिंडोरी जैसे, जहां पर अस्पताल प्रशासन का क्रूर चेहरा देखने को मिलता है, या फिर तस्वीर आती है सीधी जैसे, जहां पर एक गरीब इंसान को एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं हो पाती। वहीं पुलिस व्यवस्था के तो क्या ही कहने हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला रीवा से ताल्लुक रखते हैं और रीवा में गैंगरेप हो जाता है और इस पूरे मामले पर पुलिस की कार्रवाई भी सवालों के घेरे में रही है। ऐसे में जहां एक तरफ कांग्रेस इस मामले पर हमलावर है, प्रदेश सरकार को घेर रही है, वहीं बड़ा सवाल ये है कि आखिर तमाम मामलों पर राजेंद्र शुक्ला क्यों शांत बैठे हुए हैं, वो आगे आकर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं।
रिपोर्ट पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।